जालंधर की जनता को मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री आज आदमपुर रोड का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान लोगों से ये वादा किया था कि आदमपुर का रोड बना दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप जालंधर चुनाव के एक सप्ताह के भीतर ही ये काम शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद सुशील रिंकू भी मौजूद रहेंगे। आदमपुर रोड लंबे समय से लोगों की मांग रही है। आज यानी सड़क मैं कई बार लंबी है थोड़ी, क्योंकि इधर संबंध सेंटर नाल है। आज इधर पुर्दा जिधर ठेकेदार सी, मैं गडकरी साहब ने गल की थी, ये पुर्दा ठेकेदार भज गया। मैं कह जी उधर भज गया, कोई गल नहीं, कोई होर ले लो। पर जिधर थल्ले लोग ने थल्ले वाली सड़क है वो तो सानू बना लैन दो ना। मैं आपके पैसे ना बनानी है, सरकार के पैसे ना बनानी है। तो वीरो 11 मई तो बाद रिजल्ट जो मर्जी होवे और कोई लेना देना नहीं, पर आह जी सड़क है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं वो गल कहंदा ही नहीं जिहड़ी मैं ना कर सकता हुआ, मैं वो गल कहंदा ही नहीं जिहड़ी मैं ना कर सकता हुआ। मैं अज जवाब देना थोनू कि नहीं बन सकती। हाँ, उपरला पुल मैं तुम दसता, उपरला पुल मेरे हाथ च नहीं है, वो सेंटर का है। पर असि उन्होंने यह कहा है कि जो उपरले पासे वाला भी बना दे दो तो उपर तो ट्रैफिक लंघ जूगी, नाले थले जो बाजार है। मैं मिले से बाजार के लोग आए थे मेरे को, मैं उन्होंने यही वादा किया। काम बहुत चिर पहला हो जाना चाहिए सी कई कई सरकार, पर 75 साल हो गए आजाद हो, 60 साल हो गए कांग्रेस को वोटा पाया, अज तक आ खड़े हैं सड़कों पर। मैं कह दी निंदा चुगली नहीं करता, पर मैं इन्ना दसना चाहना कि जे आदमपुर वाले जे इतिहास लिख दोगे इस बार कांग्रेस को वोट पा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनता, भाजपा को वोटा पा के मोदी को कोई फर्क नहीं पैंदा, पर आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू वाला बटन दब के मेरा हौसला बढ़ूगा, उस बाद फिर मेरा काम चल जा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।